इस दुनिया में लोग आते हैं और एक सामान्य सा जीवन जीकर चले जाते हैं। कुछ गुमनामा रह जाते हैं तो कुछ अपने कर्मों की वजह से सदियों तक याद रह जाते हैं। सदियां बीत जाती हैं और उन्हें अपना प्रेरक मानकर सदा अपने बीच में जीवांत रखते हैं। ऐसे महान लोग संत के दर्जा दिए जाते हैं। इन्हीं में से एक छत्तीसगढ़ के महान संत बाबा गुरु घासीदास जी हैं, जिनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। आज से 264 साल पहले की बात है, यानी 1756 में प्रथम गुरु को गाइए कि जिन गुरु रचिन जहां। रायपुर जिले से लगे बलौदा बाजार जिले के ग्राम गिरौतपुरी महंगू दास जी और माता अमरोतीन के यहां दिव्य पुरुष गुरु घासीदास बाबा जी का अवतरण हुआ था। सत नाम एक वृक्ष बने कि निरंजन बन गेड़ा। उन्हें संत समाज का प्रवर्तक भी माना जाता है। कहा जाता है कि बाबा गुरु घासीदास बचपन से ही दिव्य व्यक्ति वाले तत्व थे। उन्होंने अपने किसी भी गुरु से शिक्षा भी नहीं लिया, वरन नैसर्गिक तौर पर उन्हें विद्वता हासिल भी थी। जाप तप और ध्यान और सत्कर्मों के साथ उन्होंने लोगों के समक्ष एक दिव्य गुरु के रूप में खुद को स्थापित किया। उनके समकालीन लाखों लोग उन्हें अवयवी बने और आज भी उनके वंशज लोग गुरु घासीदास बाबा के बताए गए रास्ते पर चलते हैं। सतनाम पंथ का संस्थापक भी बाबा गुरु घासीदास जी को माना जाता है। गुरु घासीदास ने समाज के लोगों को सात्विक जीवन जीने का एक प्रेरणा दिया। इसी की तलाश में हमारी सभी तर्क की न्यूज की टीम ने इसी तथ्य इसी कहानी के एक बार फिर उजागर करने के लिए गिरौतपुरी पहुंचे। देखिए ये खास रिपोर्ट। बाबा जी का स्थल ये है गंगा जमुना त्रिवेणी सरस्वती भोगमती 500 बंदी के बाबा जी चरण कुंड दिया था, तब जाकर यहाँ 5 कुंड बाबा जी का महिमा बयान है। बाबा जी का महिमा अनंत है, ताकि छाता पहाड़ छात्र में तपसी किए वहाँ छाता पहाड़ में छाता पहाड़ बोला जाता था बाबा जी का। वहाँ 12 नदी में जा रहे थे कुंड पुजे की रोड था। बाबा जी महिमा पर्व यहाँ बाबा जी का महिमा सत्योजन महिमा है। सुनने के यहाँ गंगा जमुना है त्रिवेणी है सरस्वती जी और हमने बताया 500 बहिंदे के बाबा जी इस तरह के गंगा जो यहाँ तब जाए से 5 भोग मती 500 बहिंदे के बाबा जी चरण धाम अचल पड़ा है। बहुत ख्याति है बाबा जी बाबा जी का महिमा है, ताकि छाता पहाड़ बाबा जी तपसी के 6 माह तक उसके माँ 6 माह तपसी करने के बाद 5 गुना है। इसी तरह से माता सबकी यहाँ बाबा जी का महिमा है। यहाँ गंगा जमुना है तिवारी है सब पूरा होगा भी है गंगा जमुना त्रिवेणी सरस्वती भोगमती 5 बहने मिल के यहाँ बाबा जी चरण अमृत दिया था, तब जाके यहाँ 5 कुंड बना है जमुना। ये 5 बहने मिल के पूरा बाबा जी चरण अमृत दिया है, तब जाके यहाँ 5 कुंड बना है। सुंदर बन है, निकट बन है, दलदल है, सिला स्रोत है, और जहाँ जहाँ बाबा जी तपसी कर किया है वहाँ वहाँ उसका निशानी बना हुआ है। जाने के बाद यहाँ जाने का रास्ता ऊपर है जी। चलूगा चल पकड़ बाजू मत और खाए देवे तो हनुमान लोग डरवा थे।